के माध्यम से इस जनपद मैनपुरी की समस्त जनता को नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और अपनी अलीपुर खेड़ा की जनता को बहुत ही शुभकामनाएं और मेरा हमेशा आशीर्वाद रहता है। नमस्कार, मैनपुरी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। हजरत इमाम हुसैन की याद में 40 दिन बाद आज चौहल्लुम मनाया गया, जिसमें ताजियेदारों ने मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष आजम को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही बताया, मैदान करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन व उनके 71 अनुयायियों की शहादत के 40 दिन बाद चौहल्लुम मनाया जाता है। देखिए हमारे संवाददाता सत्येंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। हजरत इमाम हुसैन की याद में 40 दिन बाद आज चौहल्लुम मनाया गया, जिसमें ताजियेदारों ने मोहर्रम कमेटी के अध्यक्ष आजम का पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही बताया कि मैदान करबला में शहीद हुए हुसैन व उनके 71 अनुयायियों की शहादत में 40 दिन बाद चौहल्लुम मनाया जाता है। इमाम हुसैन मोहर्रम की 10वीं शहीद हुए थे। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम और मानवता के लिए यजीदियों की यातनाएं सही। करबला के मैदान में हुसैन का मुकाबला ऐसे जालिम और जाबिर शख्सियत से था जिसे सरहदें सुल्तान और आगे तक फैली हुई थी। उसके जुल्म को रोकने के साथ इमाम हुसैन आगे बढ़े। उस समय उनके साथ मात्र 72 सैनिक थे। दूसरी तरफ यजीद की 22,000 हथियारों से लैस फौज थी। इमाम के लिए अपना सब कुछ गंवाने को तैयार थे। करबला की जंग देखने में एक छोटी सी जंग थी, लेकिन यह जंग दुनिया की सबसे बड़ी जंग साबित हुई, जिसमें मुट्ठी भर लोगों ने अपनी शहादत देकर दुनिया को एक नई रोशनी दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। मैनपुरी लाइव न्यूज के माध्यम से मैं प्रधानपति गुड्डू चौहान मैनपुरी की समस्त जनता को एवं ग्राम पंचायत नाहल कटहरा के सभी निवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि पटाखों से प्रदूषण होता है, इसलिए ज़्यादा बारूद वाले पटाखे न चलाएं। पटाखे चलाते समय विशेष सावधानियां बरतें। धन्यवाद। अलीपुर खेड़ा के समस्त ग्रामवासियों को दीपावली व भैया दौज की शुभकामनाएं।